जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक बड़ा आतंकी हमला, और बताया जा रहा है कि नाके पर तैनात पुलिस वालों पर आतंकियों ने हमला बोल दिया और इस हमले में दो पुलिस वाले शहीद हो गए और साथ ही दो सब्जी विक्रेताओं की भी जान चली गई। हमला करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश की लेकिन गोलीबारी में तीन अन्य जवान जख्मी हो गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि इस हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। सीधा चलेंगे अशरफ आनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके अशरफ, अभी फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है, क्या खबर मिल पा रही है? डीजीपी कह रहे हैं कि इसके पीछे लश्कर का हाथ हो सकता है। बिल्कुल नवजोत, दरअसल जैसे आप कह रही हैं कि इस हमले के बाद तुरंत जो है साझा तौर पर सुरक्षा बलों ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके की घेराबंदी हुई सोपोर के आरमपुरा इलाके में, वहां पर घर घर तलाशी अभियान जारी है। सभी जो आने जाने के रास्ते उस इलाके में हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि हमलावरों की जो पहचान हो पाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए। फिलहाल वो तलाशी अभियान तो जारी रहेगा लेकिन जिस अंदाज से ये हमला हुआ और जिस तरीके से ये घात लगाकर हमला हुआ था, उस बीच कम ही उम्मीद जताई जा रही कि बहुत जल्द जो है हमलावर पुलिस या सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आएंगे, लेकिन फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। अभी जो है जैसे आपने कहा कि लश्कर का हाथ इसके पीछे जताया जा रहा है क्योंकि सोपोर में ये पहला आतंकी हमला नहीं है, इससे पहले कई सारे जो है हमले पिछले साल भी जो है सुरक्षा बलों की इसी तरह जो है तैनाती पर या जो सीआरपीएफ या पुलिस की तरफ से नाके अलग अलग जगहों पर होते हैं उन पर इस तरह के हमले कई बार हुए जिनमें कई सीआरपीएफ जवान जो है वो शहीद हुए। और आज का जो ये हमला हुआ है इसमें दो पुलिस कर्मी जो हैं वो मारे गए, दो नागरिकों की मौत हुई, तीन लोग घायल हैं जिनमें दो पुलिस कर्मी हैं और एक सिविलियन है। फिलहाल उनके इलाज के लिए जो है कोशिशें हो रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन शक की सुई जो है पूरी तरह से जो है लश्कर के ऊपर ही है क्योंकि सोपोर उसके पास इलाकों में जो है लश्कर तैयबा ही काफी सक्रिय रहा है और पिछली बार जितनी आतंकी घटनाएं इस पूरे इलाके में घटी हैं उनके पीछे लश्कर का ही हाथ था। यहां तक कि जो बीजेपी नेता की हत्या हुई थी बांडीपुरा में उसमें भी लश्कर का ही हाथ था और एक स्थानीय जो है जिसकी पहचान हुई है कमांडर है, आतंकी कमांडर लश्कर तैयबा का जो सोपोर के इलाके का ही रहने वाला है माना जा रहा है, उसके साथ मिलकर आतंकियों ने इस हमले को जो है अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, नजर आप बनाए रखिए, अशरफ वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंकी हमले में दो पुलिस वाले शहीद हो गए, दो आम नागरिक भी इसमें मारे गए हैं। और इस बीच सोपोर हमले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है तो उन्होंने निंदा के साथ साथ हमले को कोई और ही रंग दे दिया है। महबूबा ने कहा कि दिल्ली की बंदूक से आतंक का मसला नहीं सुलझेगा और न ही जवानों की बंदूकों से मसला सुलझेगा। तो क्या महबूबा मुफ्ती को दहशतगर्दी और जवानों के जवाब में कोई फर्क नहीं लगता? दिल्ली की बंदूक का क्या मतलब? और ज्यादा यहाँ जो है नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम और तहफ़हुम। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की बंदूक का जिक्र किया अशरफ, यहाँ पर दिल्ली की बंदूक से मतलब क्या? क्या महबूबा के पास कोई और फॉर्मूला है? टारगेट किसको कर रही थी महबूबा मुफ्ती? बार बार जिस तरह से नवजोत महबूबा मुफ्ती की हमेशा से लाइन रही है, वो चाहती है कि जो जो सुरक्षा या सेना की तैनाती बढ़ी है या जो वर्चस्व बढ़ रहा है पिछले खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जिस अंदाज से सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस और सख्त पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ा गया है, मिलिटेंट ग्रुपों के साथ जो है उनके साथ जो है काफी जो उन पर दबाव बनाया गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उसको कम किया जाए। पहले भी जब उनकी सरकार थी वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो है कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत की प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि ताकत का इस्तेमाल। तो उनका कहना है कि जिस अंदाज से
पुलिस की तरफ से काफी जो है नाकाबंदी हुई है, न सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ बल्कि साथ ही साथ अलगाववादियों के खिलाफ। उसके बजाय जो है बातचीत की प्रक्रिया और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत से ही शायद कश्मीर समस्या का समाधान निकल सकता है। ये उनकी पार्टी और उनकी तरफ से हमेशा से कश्मीर को लेकर बात कही जा रही है और उसी बात को उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। अशरफ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।